अब बताओ भगवान के जैसा जीवनी किसका होगा? भगवान के जीवन से हमको विचारना चाहिए कि हम जीवन को कैसे जिए, लाइफ ऑफ मैनेजमेंट, हम जीवन को कैसे जिए। भगवान जब गोकुल में रहे, वृंदावन में रहे, भगवान ने गैया चराई, गैया चराने में भी कोई संकोच नहीं किया। अब वही जब द्वारकाधीश राजाधिराज महाराज श्री कृष्णचंद्र बन गए, तो भी राजाधिराज महाराज उच्च पद को प्राप्त करके भी अर्जुन के सारथी बनने के लिए हिचके नहीं। ये सही बात है, अर्जुन के सारथी बनने के लिए भी नहीं हिचके। अब यहाँ किसी राजनेता को कोई बड़ा नेता बन जाए, अब उसको कहो चलो जमीन में बैठो, तो वो थोड़ा संकोच करेगा, मैं कैसे जमीन में बैठ जाऊंगा, मैं इतना गिरा हुआ थोड़ी हूं। मतलब उच्च पद को प्राप्त करने के बाद वह मनु स्थिति से नीचे की ओर नहीं आ सकता, परंतु भगवान उच्च पद को प्राप्त करके भी सारथी बनना स्वीकार कर लिया, कोई मन में भाव नहीं। और कैसा सारथी? पहले के जमाने में जब रथ होता था तो इशारा करना होता है ना, इधर चलो, पीछे बैठे हुए जो रथ में पीछे बैठे रहते हैं वो सारथी को कैसे इशारा करते थे। पहले महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन को जब दाहिना मुड़ना होता था तो अपने पैर के अंगूठे से भगवान के कान को स्पर्श करते थे, दाहिने कान को, तो भगवान दाहिने तरफ मुड़ते थे रथ को। इधर मुड़ना होता तो भगवान के बाएं कान को अंगूठे से मारते थे अर्जुन, ऐसे तब ये बाएं मुड़ते थे। अब बताओ अर्जुन की क्या दशा हो रही होगी और भगवान की क्या दशा रही होगी? ऐसे स्थिति में कोई रह सकते हो? उच्च पद को प्राप्त करके भी जो अभिमान शून्य होता है वही परमात्मा होता है। बोलो भगवत वत्सल भगवान की जय हो। अभिमान शून्य होना चाहिए। उनकी कनकट्टी पर ऐसे चरण के नखों को लगाते थे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं।